बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं आर्मी वालों को मैं जानता हूँ, जितना मैं तो उनको जानता हूँ पूरा। जब उनको बोला जाता ना, जैसे उनको कमांड दिया जाती है, उनकी आवाज दमदार होती है। मतलब क्या बात सर, बिल्कुल सर। जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको बोला जाता है कि हाँ स्टैंडर्ड इज अटेंशन, उनकी फिर चाल ढाल कुछ और दिखाई देती है ना। बिल्कुल सर। मेरे को लगना चाहिए यार आर्मी वालों से बैठा हूँ, इससे सिविलियन समझ में आता है, लेकिन आर्मी वाले ऐसे अगर करेंगे तो फिर ठंडा माहौल बनाया तो सही नहीं है। ठीक है, तो एक बार गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करेंगे। बढ़िया गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। और आज आप सबके साथ मैं बात करना है यहाँ पर, मतलब देखिए सर, मैं सर ने मेरे बारे में काफी चीजें बताई कि सर ने इतना पैसा कमा लिया, ये चीज कर ली। मेरे को भी यकीन नहीं होता कि हाँ 23 साल की एज के अंदर इतना पैसा कमा लिया। कई बार वो तो सामने वालों को यकीन नहीं होता, मैं खुद भी यकीन नहीं होता। मतलब हाँ यार देख लेता हूँ कौन पहले कमा लिया सही में, हाँ यार कमा तो लिया मैंने, है ना। तो कई बार वो चीजें होती है, तो पहले चीजों को रियलाइज करना है। आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना है यहाँ पे। आज जैसे आपने मान सिंह सर को सुना, वीरेंद्र सर को सुना, ये सारे लोग यहाँ पे आए, ये दो लोग आए यहाँ पे, सर आए, हैप्पी सर यहाँ पे आए, ये बताते हैं क्या चीजें बताए, इसको फील करना बस, ठीक है। तो एक लाउड गुड मॉर्निंग साहब, और एक दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैं यहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से भी चाहिए, ठीक है। मिल सकता है यस और नो में जवाब? यस और नो? यस यस और नो? यस। क्या बात है अशोक सर, मजा आया पूरा खतरनाक। तो एक लाउड गुड मॉर्निंग साहब, जैसे बताया कि हाँ एक गुड मॉर्निंग, मेरा मानना क्या है, एक लाइफ में दो लाइफ होती है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब सी लाइन है, एक लाइफ में दो लाइफ कैसे? मेरा ये मानना है कि हम एक जिंदगी जी रहे होते हैं, जब हमने स्कूलिंग कॉलेज वगैरह गए, पढ़ाई करी, अपनी नॉर्मल लाइफ हमने जॉब करी, या हम जो है मतलब मैरिज हो गए, बच्चे वगैरह हम उनको पढ़ा रहे लिखा रहे, ये एक नॉर्मल लाइफ होती है। और एक दूसरी लाइफ तब स्टार्ट होती है जब उसको पता लगता है, उसी बंदे को पता लगता है कि यार भाई एक ही लाइफ है, क्यों ना ढंग से जी लिया है ना, सिंगल लाइफ है और सिंगल चांस है, क्यों ना बढ़िया कर लिया जाए। तब दूसरा बंदा जो आज हम दूसरी लाइफ जीने के लिए यहाँ पे हम बैठे हुए, कुछ बड़ा करने के लिए बैठे हुए, सही बात है। तो लाइफ में गुड मॉर्निंग ऐसी होनी चाहिए ना, थोड़ा पड़ोसी को पता लगे कि सारे यहाँ पे आर्मी वाले बैठे, क्या हो क्या रहा है, है ना, लगना चाहिए सब। हो सकता है? यस सर। यस सुनो। यस सर। अरे जब यहाँ पे खड़े होके मैं, अब देखो ये थोड़ा सा मैं चलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे टांग का थोड़ा चोट लगी हुई, ये स्टाइल नहीं है चलने का, चोट लगी हुई इसलिए। अगर देखो समझना इस बात को कि अगर यहाँ पे हम आपके लिए, देखो सर ने मेरे को, हैप्पी सर ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बार आ जाइए, मैं थोड़ा तबियत खराब थी, सही नहीं थी, लेकिन सर ने बोला, मैंने चलो कोई बात नहीं। मानसिंह सर बहुत बड़े कर रहे थे, वरिंदर जी बहुत बड़े कर रहे थे, अशोक जी की मैं फोटो देख रहा था, जड़े सर की मैं फोटो देख रहा था, आप सबकी मतलब एक एक बार मैं सबकी फोटो देखी, मैंने कहा कमाल है, मतलब मैं इस चीज को देख के मोटिवेट हो गया और यहाँ पहुंच गया। एक बार क्लैपिंग तो खुद के लिए पहले होनी चाहिए। ग्रुप में कौन कौन ऐड है पहले बताइए, ग्रुप में कौन कौन ऐड है, जो ईगल्स ग्रुप है कौन कौन ऐड है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आप भी ऐड हैं, कर दिए सर को ऐड करना, भी ऐड करना। हमारा एक ग्रुप है WS ईगल ग्रुप, उसके अंदर जो लोग एडिड नहीं है उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक लाउड गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सबका एक साथ ही होगा, एक दो तीन के बाद सब लोग एक साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग, बोल सकते हैं? बिल्कुल सर। सही है, 1 2 3 गुड मॉर्निंग। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग दोबारा। चलिए अभी हम यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बात करें आज किस लिए, सर ने बताया कि हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं ना, आज यहाँ सीखने के लिए बैठे, जो हमने नई शुरुआत करी है, नए प्रोग्राम के हम आए हैं, WS के अंदर हम आए हैं, ये कैसे काम होता है इसके ऊपर हम सीखने आए हैं। अब ये एक्चुअली एग्जैक्टली है क्या, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, अभी कुछ 14 फरवरी को आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कश्मीर के अंदर, पुलवामा जगह है वहां पर एक अटैक हुआ, तो उसके लिए मैं चाहूंगी हम सब इस चीज को फील कर पाते हैं, आर्मी वालों के साथ बैठे हुए इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि हाँ यार वहां पे क्या हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक होते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, जहां पे आई थिंक 42 सोल्जर थे वहां पे, सर बिल्कुल सर, 42 को 40 से प्लस में सोल्जर थे जो हमारे शहीद हुए। तो मैं चाहूंगा कि उन सबकी शहीदी के लिए एक बार मौन धारण किया जाए, उसके बाद फिर आगे मीटिंग स्टार्ट करें, ठीक है।